ब्रुनोई से सिंगापुर पहुंचे पीएम मोदी, सिंगापुर में भव्य स्वागत, मोदी मोदी के लहरिए नारे, मोदी ने ढोल बजाया। पीएम मोदी के स्वागत में सिंगापुर में ढोल बजा, पीएम मोदी लोगों से मिले। ब्रुनोई दौरे पर दारुसलाम पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तहादी बिल्लाह मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, भारत और ब्रुनोई के संबंध निरंतर प्रगाढ़ हो रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते बढ़े हैं। ब्रुनेई में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, जोरदार स्वागत भारतीय समुदाय के लोगों ने किया, मोदी मोदी के नारे लगे। भारतीयों से मिलने के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से बात की, ऑटोग्राफ दिया, एक बच्ची को गोद में उठा लिया। ब्रुनेई के बाद सिंगापुर पहुंचे मोदी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में आज राहुल ने की रैली, बीजेपी पर किया वार, बोले हिल गया पीएम मोदी का विश्वास, हम कुछ दिनों में मोदी को हटा देंगे। बोले राहुल, बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, नफरत को मोहब्बत से हरा देंगे। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, इतिहास में पहली बार किसी राज्य से छिना उसका पूर्ण राज्य का दर्जा। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के संपूर्ण राज्य के दर्जे का उठाया मुद्दा, कहा जनता का हम पर है भरोसा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले, कांग्रेस से गठबंधन मजबूरी नहीं जरूरी है, हम सभी को साथ लेकर चलना। मजबूरी नहीं है, जरूरत है, हमने सबको लेकर चलना है। मजबूरी नहीं है, जरूरत है, हमने सबको लेकर चलना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांधरबल से लड़ेंगे चुनाव, भरा नामांकन, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता मौजूद। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी करेंगे प्रचार, अगले हफ्ते से रैलियों की करेंगे शुरुआत। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की 3 संभावित रैलियां, जम्मू क्षेत्र में 2, कश्मीर घाटी में 1 रैली, डोडा से कर सकते हैं चुनाव प्रचार की शुरुआत। हरियाणा के रियासी में राजनीतिक दंगल में उतर सकते हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, कांग्रेस में हो सकते हैं दोनों पहलवान शामिल। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट और रेसलर बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के दंगल में उतर सकते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मौजूद रहे राहुल और खड़गे। 2 राउंड की बैठक में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 10 सीटों की मांग की, जबकि कांग्रेस 7 सीटें देने को तैयार। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन की संभावना, आपसी गठबंधन के लिए कांग्रेस ने मिनी कमेटी बनाई, दीपक बाबरिया, दीपेंद्र हुड्डा, अजय माकन सदस्य। सीटों पर डील फाइनल करने के लिए आज कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, आप सांसद राघव चड्ढा के बीच तीसरे दौर की हो सकती है बैठक। हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस में जाने की खबरों पर लगाया विराम, कहा मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, हर हाल में बीजेपी में रहूंगा। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट पर लगी मुहर, आज बीजेपी कर सकती है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 50 के नाम का ऐलान होगा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारियां, विधानसभा प्रभारी, संयोजक, सह संयोजकों के नाम का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्राकृतिक आपदा को लेकर चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर साधा निशाना, बोले इतनी बड़ी त्रासदी में भी अपने संसदीय क्षेत्र मंडी और कुल्लू नहीं गई कंगना। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना पर बाद में दिया विवादित बयान, बोले कंगना रनौत बरसात में मेकअप खराब होने के डर से नहीं आई, मेकअप खराब होने पर पता चलता कि ये कंगना है या कंगना की मां है। जो है सारा खराब होना था, फिर लगना था ये कंगना है या कंगना की मां है, पता ही नहीं लगना था, तो वो आई उधर।
अखिलेश यादव के गोरखपुर में बुलडोजर चलने वाले बयान पर बीजेपी से सांसद रवि किशन का पलटवार, बोले गोरखपुर गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती, अखिलेश तुष्टिकरण के लिए हिंदू आस्था के प्रतीक पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती, यहाँ हम सभी हिंदुओं की आस्था, तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी, भेड़ियों के बढ़ते हमले देख सरकार ने दिए भेड़ियों को देखते ही गोली मार देने के आदेश। आदमखोर जानवरों की तलाश के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी, अब तक भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते सोमवार भी 5 वर्ष की एक बच्ची पिन्ने पर भेड़िए ने कर दिया था हमला। आदमखोर भेड़ियों के बढ़ते हुए आतंक के बाद आज यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना जाएंगे बहराइच, वन विभाग की टीम से करेंगे मुलाकात, खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। ऑपरेशन भेड़िया में कैमरे और ड्रोन में कैद हो रहे हैं भेड़िए, पीएससी के 150 जवान शामिल। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग की 30 टीमें, वन विभाग की 25 टीमें भेड़ियों को ढूंढ रही। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के कारण लकड़ी के दरवाजों की मांग बढ़ी, भेड़िया प्रभावित इलाकों में फर्नीचर की दुकानों को हर दिन मिल रहे हैं 20 से 25 दरवाजों के ऑर्डर। भेड़िया प्रभावित महसी विकास खंड के गांव में टॉर्च की रोशनी में सर्च ऑपरेशन चलाते दिखे पुलिसकर्मी, भेड़िया प्रभावित इलाके में विद्युत कटौती की मनाही के बावजूद नहीं दिखी लाइट। भेड़िया प्रभावित इलाके में लगे सोलर लैंप पोस्ट भी दिख रहे हैं फेल, सिर्फ अंधेरे का साम्राज्य है, ऐसे में कैसे पकड़े जाएंगे भेड़िए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक पर बोले अखिलेश, लोगों की जान इसलिए जा रही क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही, बच्चों की जान बचाने के लिए सरकार को अपना पूरा विभाग लगा देना चाहिए जो नहीं लगा रही। जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। मुख्यमंत्री योगी पर अखिलेश का पलटवार, भेड़िए से पहले दहशत की अखिलेश के शासनकाल से तुलना कर दी, बोले आज भेड़िए से पहले यह दहशत, समाजवादी पार्टी के हुंडा राज में भी ऐसा ही माहौल था। देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। सीएम योगी बोले बीजेपी सरकार में खत्म हुआ है होंडा राज, उत्तर प्रदेश में आज सिर्फ हो रहा है विकास और निवेश। अखिलेश के बुलडोजर कल्चर का मुद्दा उठाने पर बोले योगी, दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले ऐसा नहीं कर सकते, बुलडोजर चलाने के लिए चाहिए दिल, दिमाग और हिम्मत। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। लखनऊ में शिक्षक भर्ती पर आज भी प्रदर्शन, हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा मामला। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री भजन लाल की मौजूदगी में दिया बड़ा बयान, बोलिंग, कुछ लोगों को पीतल की लौंग भी मिल जाती है तो खुद को समझने लगते हैं सर्राफ। ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से मुसलमानों पर किया वार, मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने का किया दावा, बोले बिहार के कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जैसे जिलों में हिंदुओं की आबादी काफी कम हो रही है। गिरिराज बोले जाति के साथ साथ धर्म को सर्वोपरि रखें, बोले जब तक सनातन बहुमत में है लोकतंत्र है सुरक्षित। है जब तक सनातनियों का बहुमत है लोकतंत्र भी तभी तक अच्छे। लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद की बेल पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज आएगा निर्णय, टेरर फंडिंग में आरोपी है इंजीनियर, अदालत ने निर्णय रखा है सुरक्षित।
हिमाचल में आर्थिक संकट गहराया। पहली बार सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन आने में देरी, 5 या 6 सितंबर को सैलरी आने की अभी उम्मीद। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ी, अब उत्तर प्रदेश के अलावा चुनावी राज्यों में भी मिलेगी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। दिल्ली एलजी ने पलटा मेयर शैली ओब्रॉय का निर्णय, आज ही होंगे एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के चुनाव। त्रिपुरा में जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देव वर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चलाया बीजेपी का सदस्यता अभियान, पीएम मोदी की नीतियों का किया बखान। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश, कई हिस्सों में पानी भरा। विजयवाड़ा में भयंकर बाढ़, लोगों के लिए प्रशासन ने बचाव अभियान चलाया। राजस्थान के अजमेर में बारिश से शहर के कई हिस्सों में मुसीबत, यातायात प्रभावित। यूपी के संभल में भयंकर बारिश, कई इलाकों से तस्वीरें सामने आई। हैदराबाद में भी हो रही है भारी बारिश, आईएमडी ने आज के लिए हैदराबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नागालैंड में भारी बारिश, कोहिमा में भूस्खलन हुआ, दीमापुर को जोड़ने वाली सड़क NH-29 टूटी। भूस्खलन के बाद मलबा सड़क पर आ गया, यातायात पूरी तरह से ठप हो गया, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गुजरात के वलसाड़ में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, लोगों को आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। गुवाहाटी में कई हिस्सों में हो रही है मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी भर गया है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। गुजरात बाढ़ से परेशान है, सूरत में भारी बारिश के कारण शहर में बाढ़ आ गई है, ड्रोन से तबाही की तस्वीर दिखाई दी। आगरा में बारिश के बाद पानी भर गया, स्थिति खराब हुई, बारिश के बाद भयंकर पानी की तस्वीरें। अल्मोड़ा में बाढ़ के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया, लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे। हरियाणा के करनाल के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। आगर मालवा में भयंकर गर्मी के बीच बारिश होने से लोगों की बिगड़ी तबीयत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। वाराणसी में गंगा में तेजी से जलस्तर घटने का सिलसिला जारी, नाव के बंद होने से नाविकों की परेशानी बढ़ी। मुजफ्फराबाद में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, कई विभागों के कर्मचारियों ने तनख्वाह को लेकर विरोध प्रकट किया। सासाराम में 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, गांव के 45 वर्ष के व्यक्ति पर आरोप। जयपुर में 2 लापता भाइयों में से 1 का शव बरामद, पहाड़ों पर सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई में मलाड में तेज रफ्तार फोर्ड ने महिला को कुचला, मौके पर मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के झांसी में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल।